अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है आसिफुन और आज मैं आपको घर में इजीली मिल्क में यानी कंडेंस मिल्क कैसे बनाने का है वो बताती हूँ। बाहर में मिलता, बाहर भी मिलता है पर वो घर में इजीली आप बना सकते हो। तो सिंपल भी है, ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। शक्कर है 200 ग्राम के आसपास है शक्कर, और ये दूध है फुल फैट मतलब मलाई वाला दूध है, आधा लीटर होगा। बस ज्यादा कुछ सामान नहीं चाहिए। इसको रखती हूँ और इसमें ये शक्कर डालती हूँ। बस अभी अच्छे से इसको कंटिन्यूस ऐसे चला चलाते कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगी कंडेंस मिल्क बनने में। और जब बन जाएगा तो लास्ट में इसमें बेकिंग सोडा जो हम भजिया में डालते हैं वो लास्ट में डालने का, अभी नहीं डालने का, क्योंकि अभी हम डालेंगे तो इसका ब्राउन कलर हो जाएगा, तो लास्ट में डालेंगे। तो इसको अच्छे से मैं पकाती हूँ, तो फिर मेरा इतना तो वीडियो चालू रखूंगी नहीं 20-25 मिनट का, ये सबको बोरिंग हो जाए। तो इसको अच्छे से पकाती हूँ, तो थोड़ा कट करती हूँ। आप इसको क्या करना, मीडियम गैस पे पकाना। आप देख सकते हो दूध उबलने लगा है और कंटिन्यू मैं इसको चलाती जू, क्योंकि शक्कर कैरामलाइज होगी तो दूध का कलर पूरा चेंज हो जाएगा और एकदम ये ठीक होने लगेगा। अभी इसको टाइम लगेगा पर तो भी मैं बोली थोड़ा वीडियो शूट कर लू अभी, तो शायद मैंने और मीडियम गैस पे पकाना। हाँ, अगर गड़बड़ हो मतलब जल्दी हो तो फुल गैस पे पका सकते हो, नहीं तो फिर बेटर है कि आप मीडियम गैस पे इसको पका। तो इसको और पकाने का है तो फिर देख रहे हो कैसा हो गया, दूध कितना था और कितना हो गया, पूरा इसका कलर इसका लुक देख सकते हो। अभी गैस भी बंद करती हूँ, फिर आप देख लो अच्छे से। गैस बंद करके इसमें ये जो खाने का सोडा है जो हम भजिया में वो डालते हैं ये डालने का, और अभी ये जो है ठंडा होगा ना तो और ठीक होगा। आप देख सकते हो ये अभी ऐसा लगता है, अभी ठंडा होगा तो इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा। जरा ठंडा होता है तो आपको सर्व करके बताते हैं। तो इजीली आप घर में कंडेंस मिल्क बना सकते हो, जिसको मिल्क मेक भी बोलते हैं। बाजार में इजीली मिलता है पर हम नहीं लेते हैं, हम घर में जी मैं बना लेती हूँ। ये केक में, मिठाई में, गाजर का हलवा, लौकी का हलवा, उसमें सब में मिल्क मेट बहुत यूज होता है। कभी जरा ठंडा होता है तो मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। देख सकते हो मैंने ये छोटी डब्बी भर ली है, मतलब जाम की बोतल छोटी खाली हुई थी 200 मिली की, तो उसमें मैंने भरा है। तो आप देख सकते हो इजीली आप घर में कंडेंस मिल्क बना सकते हो, वेरी इजी है, सो सिंपल है। सिर्फ शक्कर और दूध चाहिए, इसके अलावा कुछ ज्यादा सामान भी नहीं चाहिए। तो अभी रमजान है तो आप घर में स्वीट तो वैसे बनाओगे, तो इंशाल्लाह याद से ये घर में इजीली कंडेंस मिल्क बना लेना। और अच्छा लगी ये वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो जरूर सब्सक्राइब और बेल का निशान दबाना। बहुत सस्ते में बन जाता है तो याद से जरूर बनाना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना आसिफ हुंडी डॉट कॉम पे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।